दुसन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। पूर्व गृह मंत्री एमबी पाटिल और उनके परिवार को सुरक्षा देने की एसपी से मांग। राज्य के पूर्व गृह मंत्री और बबलेश्वर क्षेत्र के कांग्रेस विधायक के घर के बाहर मंत्री कारजोल के अभिमानियों की ओर से टायर को आग लगाकर घर का घेराव किया जा रहा है, जिससे इनके परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। एमबी पाटिल और उनके परिवार को पुलिस सुरक्षा प्रदान करने की मांग करके जिला एसपी को मेमोरेंडम दिया। कांग्रेसी नेताओं ने रोज अपने नेता के लिए दलित संघ और कारजोल अभिमानियों की ओर से एमबी पाटिल के निवास पर प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। यह सियासी खेल शायद लंबा चलने वाला हो, इसलिए रोज ये हाई ड्रामा देखने को मिल रहा है शहर में। राइस मिल पर पुलिस की रेड। शिमोगा तालुका गोड़ी चटनल्ली में रहे मल्लिकार्जुन राइस मिल में गैर कानूनी तौर पर सरकारी राशन के चावल को जमा करके व्यापार किया जा रहा था, जिसके चलते शिमोगा ग्रामांतर पीएसआई संजीव कुमार के नेतृत्व में रेड करके लाखों की कीमत के राशन चावल जब्त करके मिल मालिक की गिरफ्तारी की है पुलिस ने। वैकुंठ एकादशी के चलते वैक्सीनेशन लिए लोगों को ही मिले भगवान के दर्शन। राज्य की बीजेपी सरकार ने आदेश दिया है कि आज वैकुंठ एकादशी के चलते मंदिर को आने वाले सभी भक्त वैक्सीनेशन के दोनों डोजों की रिपोर्ट दिखाएंगे तो ही उन्हें भगवान के दर्शन करने दिए जाएंगे, जिसके चलते कोलार जिले में सभी मंदिर में लोगों की वैक्सीनेशन रिपोर्ट जांच की जा रही है। वैक्सीनेशन नहीं लिए लोगों को क्या सरकार उनका हुक्का पानी बंद करके सामाजिक बायकॉट करेगी, क्योंकि दोनों डोज वैक्सीनेशन लिए लोगों में भी कोरोना के साथ ओमिक्रॉन भी फैल चुका है। इसका जवाब जनता को देना होगा सरकार को कि वैक्सीनेशन लेने के बाद भी क्यों कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं लोग, तो क्या फ़ायदा इस दवाई का, क्यों इस दवाई का प्रचार कर रही है सरकार। इस तरह के कई सवाल उठे हैं जनता में, क्योंकि आस्था में भी अब दखल दे रही है सरकार। पद यात्रा के नाम पर कांग्रेस बड़ा नाटक करने जा रही है। मंत्री गोविंद कारजोल बागलकोट शहर के प्रवासी मंदिर में मंत्री गोविंद कारजोल ने आक्रोश जताते हुए कहा कि कांग्रेसी नेता मेके डाटू पैदल यात्रा के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। पिछले 60 साल से यही करते आए हैं कांग्रेसी। इस तरह के काम छोड़कर सरकार को सलाह देंगे तो जनता का भला होगा। बीजेपी सरकार कमजोर नहीं है, कहा कारजोल ने। मौसम में धुंधलापन और कोहरा छा जाने से वाहन सवार परेशान। बेलगाम जिले में सर्दी के मौसम के चलते धूप की रोशनी की बजाय धुंधलापन और कोहरा छा जाने से वाहन सवारों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ी। कुछ लोग इसे प्रदूषण और तो कुछ लोग इसे सर्दी की वजह बता रहे हैं। चोरी की शिकायत करने वाला ही निकला चोर। बेंगलुरु बैटरायनपुर पुलिस थाना इहाते में अरुण कुमार नामी व्यक्ति, जो अटिका गोल्ड कंपनी में काम करते हुए मालिक ने 8 लाख रुपयों को बैंक में जमा करने के लिए भेजा था, जिसमें से 4 लाख घर में रखकर रास्ते में किसी ने आंख में मिर्ची डालकर पैसे चोरी होने की शिकायत पुलिस में की थी। पुलिस के छानबीन के दौरान कोई सबूत न मिलने पर शिकायतकर्ता से अधिक पूछताछ के दौरान खुद ही अपना गुनाह कबूला है शिकायत करने वाले चोर ने। एसीबी की रेड के नाम पर ब्लैकमेल, पुलिस ने किया धोखेबाज को गिरफ्तार। कुछ दिन पहले कोडागू विराजपेट विधायक के भोपैया को कॉल करके कहा जाता है कि तुम्हारे घर पर एसीबी की रेड होने वाली है, 1 करोड़ रुपया अकाउंट में जमा करोगे तो बख्शा जाएगा, जिस पर विधायक ने गृह मंत्री से शिकायत करने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आंध्रा में बैठे आनंद नामी ब्लैकमेलर की गिरफ्तारी कर ली है पुलिस ने। यह मामला हुआ है मडिकेरे पुलिस थाना में दर्ज। मेके डाटू कांग्रेस की पैदल यात्रा हुई
खत्म। कावेरी नदी के पानी के लिए शुरू हुई है पैदल यात्रा। बीजेपी सरकार ने कई हथकंडे अपनाकर आखिर इस यात्रा को रोकने में कामयाब हो गई। इस पर आज रामनगर कांग्रेस भवन में पूर्व सीएम सिद्धरामैया केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने प्रेस मीट के जरिए कहा कि हमने सरकार से डर के नहीं यात्रा रद्द की है, बल्कि राज्य की जनता के हित और उनकी सुरक्षा को देखते हुए वापस ली है। इस यात्रा को कोरोना ज्यादा होने में कांग्रेस नहीं बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। कोरोना की शुरुआत में ही खुद सरकार ने ही कई बड़े बड़ी कार्यक्रम किए थे, तब पाबंदी लगाई होती तो आज कोरोना के मामले राज्य में इतने ज्यादा नहीं होते, कहा सिद्धरामैया ने। सिनेमा स्टाइल में चोर को दबोचा। पुलिस ने मंगलुरु शहर नेहरू मार्केट के पास बिहार मूल निवासी को लूटकर फरार हुए लुटेरों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने पर मौके पर रहे पुलिस अधिकारी ने सिनेमा स्टाइल में, जो बहुत कम पुलिस अधिकारी इस तरह फिट एंड फाइन नजर आते हैं, आज अपने कर्तव्य को निभाते हुए पीछा करके चोरों को पकड़ा है। पुलिस अधिकारी ने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, ऐसे पुलिस वाले हर जगह होंगे तो जनता को किसी से डरने की जरूरत नहीं, कह रही है जनता। बीजापुर में सामाजिक क्रांतिकारी मेधा पाटकर का दौरा। देश की जानी मानी महिला क्रांतिकारी, आंदोलनकारी, समाजसेवी के नाम से मशहूर मेधा पाटकर, जो अपनी पूरी जिंदगी दलित, कूली कार्मिक और मेहनतकश वर्ग को इंसाफ के लिए 30 से ज्यादा आंदोलन कर चुकी, जीवन को ही संघर्ष मानने वाली मेधा पाटकर ने दिल्ली में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हुए किसान आंदोलन में भी अपना बड़ा योगदान दिया है, जो आज बीजापुर में हो रहे स्लम निवासियों के साथ नाइंसाफी, कई समस्याओं पर इंसाफ दिलवाने के लिए पहुंचकर यहां की जानकारी इकट्ठा करके अपना आंदोलन करते हुए इंसाफ के लिए सरकार पर दबाव डालने की बात कही और देश के नाजुक हालात पर भी अफसोस जाहिर किया। मेधा पाटकर ने इस दौरान कई स्लम इलाकों का दौरा करके गरीबों का आत्मविश्वास बढ़ाते हुए स्वाभिमान से जीने का संदेश दिया मेधा ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।